सो अक्षत, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि जो है आंसर्स हम पैराग्राफ में लिखें या पॉइंट्स में लिखें, तो आपका क्या मानना है इसमें? सर मेरे हिसाब से पॉइंट्स में लिखना चाहिए, बिकॉज एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक बार सोचिए, पैराग्राफ पढ़ना टू गो थ्रू इट इज डिफिकल्ट फॉर हिम एंड ही हैज टू चेक सो मेनी कॉपीज, तो इसलिए पॉइंट वाइज आप जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से कंसाइज मैनर में अपनी बात रख सकते हैं एंड आई बिलीव फॉर जनरल स्टडीज पॉइंट वाइज इज द वे टू गो अलॉन्ग विद फ्लो डायग्राम्स एंड स्कीमेटिक्स। ओके, सो उसमें आप इंट्रोडक्शन कंक्लूजन देते थे और उसके बीच में पॉइंट्स देते थे? बिल्कुल, इंट्रोडक्शन तो ऑब्वियसली आपका 2-3 लाइन में हो जाएगा एंड फिर उसके बाद जो भी आपको टॉप जो पार्ट्स एग्जामिनर ने पूछे हैं उनको एड्रेस करने के लिए सबसे पहले सब हेडिंग लिख दी। सो सपोज से आपको कोई इश्यूज बताने हैं रिलेटेड टू दैट, सो सब हेडिंग में लिखा इश्यूज, फिर उसके नीचे या तो पॉइंट वाइज तरीके से बता दिया या फ्लो डायग्राम में बता दिया या स्कीमेटिक में। Okay. और उसमें फिर एक्सप्लेन नहीं करना होता आपको एक एक चीज, है ना, यू हैव टू पुट योर पॉइंट एंड हियर द एग्जामिनर अंडरस्टैंड्स, अच्छा क्या कहना चाहते हो समझ जाएगा एंड देन यू कंक्लूड इट द क्वेश्चन। एंड जो क्वेश्चंस मतलब फाइनल आंसर लिखने के बाद आप एनालाइज खुद करते थे या जो है किसी और से चेक करवाते थे आप? मैंने तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी तो उससे चेक होता था, बट फॉर एग्जांपल मैं जो डेली आंसर राइटिंग करता था वो मैं खुद से एनालाइज करता था। सो आई यूज्ड टू सी कि अच्छा टॉप आंसर्स क्या रहे, एक बार कंपेयर किया, खुद ही एक बार समझ लिया। जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हो आपको खुद भी एक आर्ट आ जाती है समझने में कि अच्छा यहाँ पे मैंने ये मिस आउट कर दिया, ये मैं बेटर तरीके से कंक्लूड कर सकता था। सो वो खुद आप एक बार करते रहें प्रैक्टिस में आप खुद समझ में आ जाता है। सो सेल्फ एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा।